हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर नंबर 1 आ लेटर टू गॉड की समरी देखेंगे। ये जो चैप्टर है आपका आ लेटर टू गॉड, ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देखेंगे एक जो फार्मर है उसके फेथ के बारे में कि उसका क्या फेथ है गॉड के प्रति। ठीक है, तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एक फार्मर से जिसका नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। ठीक है, वो एक फार्मर है और वो कॉर्न की फसल उगाता है। कॉर्न मतलब मक्के की फसल उगाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका जो हाउस है वो एक हिल पर है, एक छोटी सी हिल पर उसका हाउस है जो कि उसका और उसके हाउस के बाहर ना उसका हाउस इतना सुंदर लगता है। उस हिल पर वो बहुत ही ज्यादा एक ब्यूटीफुल व्यू देता है। वो जो नजारा है, बाहर नदी बह रही है और जो हिल पर उसका घर है वो इतना सुंदर लगता है कि वो एक ब्यूटीफुल व्यू देता है। ठीक है, अब है ना उस लेंचो ने ना अपने फसल उगा रखी है कॉर्न की फसल। ठीक है बच्चों, और जो कॉर्न फील्ड है वो ना आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि हाँ आ जाएगी बहुत अच्छी बारिश और जो मेरी कॉर्न के जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा उपज होगी कॉर्न की और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इसलिए वो क्या कहता है, यहाँ पर जो ये रेनफॉल है ना इसको इसने सिल्वर पेसोस कहा है। क्यों? क्योंकि जब ये रेनफॉल होगी उसकी कॉर्न की फसल अच्छी होगी जिसके कारण उसके पास उसकी आमदनी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उसने उसे सिल्वर पेसोस कहा है बारिश को, उन रेन ड्रॉप्स को। फिर क्या होता है, फिर वो देखता है कि ये तो बारिश की बजाय क्या हो गया, हेल स्टोन्स आने लगते हैं। हेल स्टोन्स होते हैं बेटा ओले। ठीक है, हेल स्टोन से क्या हुआ, सारी जगह ओले ओले हो गए, उसकी जो सारा फील्ड था ना वो पूरा व्हाइट हो गया, ऐसा लग रहा था वहां पे एक साल्ट से साल्ट की चादर बिछ गई हो। ठीक है, तो उसका जो पूरे जो कॉर्न फील्ड था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा नष्ट हो गया। तो क्या कहता है कि भाई मेरी जो क्रॉप है ना वो बिल्कुल इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, इतनी बुरी तरह से तो लोकस्ट भी नहीं करते, लोकस्ट होते टिड्डे जो कि फसल को खराब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वो क्या करता है, अब उसको है ना पूरा फेथ होता है बोर्ड में, तो वो सोचता है कि मैं एक लेटर बोर्ड को लिखूंगा। ठीक है, और फिर एक लेटर लिखता है बोर्ड को कि भगवान जी मुझे है ना 100 पैसों की जरूरत है, आप मुझे 100 पैसों दीजिए। ये जो पैसों है ना ये करेंसी है बेटा, ये करेंसी है लैटिन कंट्रीज जो भी होती है ना उसकी उसकी करेंसी है। जैसे हमारे देश की करेंसी रुपया है, रुपीज है, वैसे ही लैटिन जो कंट्रीज है ना उनकी जो करेंसी है वो पैसोज होती है। तो उसने गॉड को लेटर लिखा कि हमारे घर में गुजारा नहीं चल रहा है, नेक्स्ट क्रॉप उगाने तक मुझे 100 पैसों की जरूरत है, तो आप प्लीज मुझे 100 पैसों प्रोवाइड कीजिए। अब हम आते हैं दूसरे करेक्टर पर जो कि इस चैप्टर का है दूसरा करेक्टर, वो है पोस्ट मास्टर। ठीक है, अब जो ये लेटर डाल देता है पोस्ट ऑफिस में गॉड के एड्रेस पर, अब जो पोस्टमैन उस लेटर को लेता है देखता है कि तो गॉड के नाम पे एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो उसे खोल के पढ़ता है और उसे हंसी आ जाती है। तब वो जाके पोस्टमैन इस पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है और उसको दिखाता है, शुरू में तो ये भी हंसता है, इसकी भी हंसी आ जाती है, बट बाद में ये सोचता है कि नहीं मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। अब जो पोस्ट मास्टर है इसको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ चैप्टर पे, एक तो ये फ्रेंडली है, कैसा है, फ्रेंडली है, दूसरा ये फैट है, थोड़ा फैटी है, तीसरा इसका गुड नेचर है, बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान है ये। तो आखिर में यही सोचता है कि मैं इस लेंचो की हेल्प करूंगा, तो क्या करता है, डिसाइड करता है टू हेल्प हिम और कलेक्ट करता है वो पैसे अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से और खुद की सैलरी में से भी पैसे देता है। फिर क्या होता है, वो बस 70 पैसों कलेक्ट कर पाता है। कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है? 70 पैसों। तो फिर लेंचो जो है ना क्या करता है, 70 पैसों उसको देके पोस्ट मास्टर लेंचो को वापस पोस्ट कर देता है। अब लेंचो को ये तो फेक था कि जो बोर्ड में फेक था तो उसने लेटर लिखा था, बट उसको ये भी बिलीव था कि उसका रिप्लाई जरूर आएगा। और जब रिप्लाई आता है लेंचो जो इस लेटर को खोल के देखता है तो उसमें उसको कितने मिलते हैं पैसे, 70 पैसों मिलते हैं और उसने मांगे थे 100 पैसों। तो फिर वो क्या डिसीजन लेता है, वो दोबारा एक और लेटर लिखने की कोशिश करता है, वो एक और लेटर लिखता है गॉड को और उसने ये कहता है, गॉड मैंने तो आपको 100 पैसों मांगे थे, आपने मुझे दिए भी, बट जो 30-30 पैसों है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ले लिए क्योंकि वो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा क्रूड है, नेक्स्ट टाइम आप जब पैसे भिजवाओ तो पोस्ट ऑफिस से नहीं डायरेक्ट मुझसे भिजवाओ। तो बेटा ये आपकी इस चैप्टर की समरी।
अपने वर्ड्स में लिखिए और नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर।